धर्मनगरी हरिद्वार में चल रही कांवड़ मेले के दौरान तरह तरह की यहाँ पर कांवड़ देखने को मिल रही है। कोई मनोकामना पूरी करने के लिए कांवड़ उठा रहा है तो कोई मनोकामना पूरी होने के बाद। मगर शामली के उत्तर प्रदेश से हरिद्वार पहुंची एक कांवड़ी यहाँ पर अपनी मनोकामना नहीं बल्कि देश के शहीदों के लिए कांवड़ उठाई है। कांवड़िए का नाम विजय हिंदुस्तानी है, जिसने यहाँ पर न केवल अपने शरीर पर 251 शहीदों के नाम गुदवाकर टैटू बनवाए बल्कि 51 छोटे तिरंगे जो है झंडे भी पिन से गुद कर शरीर पर चिपकाए हैं। उत्तराखंड में पिछले कुछ घंटों से लगातार बारिश हो रही है, आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। बता दें उत्तराखंड की पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बारिश देखने को मिल रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। लगातार जो है नदी नाले उफान पर हैं, पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश होने से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। खबर जनपद चमोली की विधानसभा थराली के विकास खंड नंदा नगर की है, जहां पर लगातार बारिश के चलते है सभी ग्रामीण क्षेत्रों को जाने वाली सड़कों का इन दिनों बुरे हालात सामने आ रहे हैं। पहाड़ों में पहाड़ के यहां पर लोग किसी पहाड़ से कमतर जीवन नहीं जीते, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जैसा आप टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि लोगों के यहाँ पर किस तरह से उन सब को परेशानी हो रही है। एक बड़े उफनते हुए नाले से बाइक को भी तख्ते पर पार कर रहा है। बता दें कि लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों का जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। बिजनौर में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। आफत कच्चे मकान की दीवार भरभराकर गिर पड़ी। दीवार के मलबे में दबने से एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। बता दें कि यहां पर यह हादसा परिजनों का जो है रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल आपको बता दें कि जनपद बिजनौर में 3 दिन से हो रही लगातार बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है, जिसमें थाना कोतवाली शहर के क्षेत्र निजातपुर इलाके में कच्चे मकान की दीवार भरभराकर गिर गई, जिसके मलबे के नीचे दबने से एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है। चलिए बात करेंगे बलरामपुर की। बता दें कि यहाँ पर जिले की रघुनाथ नगर थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत पंडरी कुएं में एक शव मिला है। मर्डर का जो है इसकी आशंका जताई जा रही है। रघुनाथ नगर पुलिस भी मौके पर पहुंची। मर्डर करने के बाद कुएं में शव को डाला गया है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम माधवेश कुमार बताया जा रहा है। मौके से एक कुल्हाड़ी भी बरामद की गई। बलरामपुर जिले की ग्राम कोटी प्राथमिक स्कूल में करंट लगने से एक छात्रा की मौत हो गई थी। 2 छात्र घायल होने की खबर सामने आ रही है। बताया ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस घटना पर संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने मृतक छात्रा के परिवार को यहां 40 लाख रुपए की आर्थिक मदद की भी घोषणा की है। घायल छात्र की परिवारों को जो है 50-50 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी बात कही जा रही है। बलरामपुर में बिजली के यहाँ पर हाई टेंशन टावर पर चढ़ा युवक खेत में टावर लगाए जाने के बाद मुआवजा नहीं मिल रहा है, जिसके चलते नाराज था और पुलिस भी मौके पर मौजूद रहा। युवक को टावर से जो है नीचे उतारने की कोशिश की जा रही थी। कई बार शिकायत करने के बाद भी युवक ने जब उसको समाधान नहीं हुआ तो उसने एक कदम उठाया। बलरामपुर जिले की बलंगी पुलिस चौकी के ग्राम बगई नार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बात चलिए अब गंज बारसोदा की करेंगे। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सम्मानजनक नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराने, युवाओं को जो है उनकी आवाज़ जो बने उनके मुद्दों को लेकर सरकार की नीतियों में बदलावों के लिए कांग्रेस ने SGS कॉलेज के पास जो है श्रमिक अभियान संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा का शुभारंभ पूर्व विधायक निशंक जैन ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक ने यहाँ पर कहा है कि युवा को यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बेरोजगार महिलाओं के लिए भी उनको जो है आत्मसम्मान की बात हो या फिर कमलनाथ जी के यहाँ पर 5 वचनों को पूरा करने की बात हो, तमाम मुद्दों को लेकर जो है यात्रा शुरू की जा रही है। 1500 रुपये महीने देंगे, गैस सिलेंडर 500, तमाम महंगाई के मुद्दों पर बात कर रही हूँ। पार्टी आती है अगर तो खड़ी उतरेगी, बिल्कुल अवश्य। कमलनाथ जी का वचन है ये कि ये नारी सम्मान योजना है, नारियों को सम्मानित करने के लिए योजना है, नारियों का अधिकार है, बेटियों का अधिकार है, उनको सशक्त बनाने के लिए हर माह 1500 रुपये और 500 रुपये में गैस सिलेंडर,
पुरानी पेंशन बहाली का 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली माफ, कर्जा किसानों का कर्जा माफ, ये सारी योजना है, ये सभी चुनावी मुद्दे हैं। यदि मुझे कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी बनाती है तो निश्चित तौर पर मैं यहाँ के बेरोजगार युवाओं के लिए कोई और कसर नहीं छोड़ूंगा। यह मेरा वादा है वासुदा की जनता से, गंज वासुदा गैरसपुर के लोगों से, मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। थाना क्षेत्र की ग्राम दोपहरिया में कल देर शाम धीरेंद्र गोस्वामी नामक व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी। उनका विदिशा मेडिकल कॉलेज में जो है पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने गांव के लोगों के साथ मिलकर और साथ ही कांग्रेस के नेताओं की तरफ से यहां पर जमकर हंगामा किया गया। मृतक के शव को मेन रोड जो है रोड पर रखकर चक्काजाम कर दिया था। बताया भी जा रहा है कि यहां पर डेढ़ महीने पहले 25 मई को मृतक धीरेंद्र की बेटी ने भी छेड़छाड़ से परेशान होकर आत्महत्या की थी। आत्महत्या के पीछे युवती ने गाँव के ही यहाँ पर 5 लोगों के नाम लिखे थे, जो कि सुसाइड नोट पुलिस के पास भी मौजूद है, लेकिन अब तक सुसाइड नोट पर आगे की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था और कुछ दिन के बाद वो बाहर आ गया था। ये दोपारिया गांव का थाना नटेरियन क्षेत्र का एक मामला था जिसमें एक नाबालिग लड़की के द्वारा सुसाइड किया गया था और सुसाइड में उसने सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिस पर से काइंडली की गई और आरोपी सुदीप को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। और एक दुखद घटना कल घटित हुई, इसमें जो लड़की के पिता है उनके द्वारा भी सुसाइड किया गया। ये मामला ग्राम दोपारिया का है, जो कि विगत 1-1.5 महीने पहले की घटना हुई, पहले कि एक बच्ची जो कि रक्षा गोस्वामी उसका नाम था, उसने करार समाज के लोगों के द्वारा अभद्रता की गई, उसके आवेश में आकर उसने आत्महत्या कर ली। बलरामपुर जिले के वाडफर नगर विकास खंड के अंतर्गत कुटी ग्राम में करंट की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत हो गई है। दो घायलों से मिलने के लिए जिला कलेक्टर और साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी भी सहित यहां पर तमाम अधिकारी पहुंचे। कलेक्टर मृतक की परिजनों को यहां पर 1,00,000 रुपए का चेक भी सौंपा है और वहीं घायलों से हॉस्पिटल में जाकर मुलाकात की। वहीं कलेक्टर रिमिजियोस एक्का ने यहां पर मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश जारी कर दिए हैं। कोटी गांव गए थे मृतक बच्ची के परिजनों से मिलने के लिए और जो बच्चे हॉस्पिटलाइज हैं उनके बेहतर स्वास्थ्य के अच्छा इलाज हो और वो बच्चों से मिलना भी था, इसी प्रयोजन से आए थे।